गाइज वेलकम बैक टू मिशन मैकेनिक्स। आज की जो वीडियो है वो एक कंपैरिजन की वीडियो है। 3M की रबिंग कंपाउंड है, ये फर्स्ट स्टेप है जो, एंड इस साइड है मेरी वैक्स पॉल की रबिंग कंपाउंड। दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी बढ़िया प्रूव होती है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कार के बम्पर के ऊपर आप स्क्रैच देख ही सकते हो, हेडलाइट के ऊपर भी है, कलर भी लगा हुआ, स्क्रैचेस भी हैं। तो दोनों हम लगाते हैं रबिंग कंपाउंड एंड चेक करते हैं कि किस रबिंग कंपाउंड से बेस्ट रिजल्ट आता है। रबिंग कंपाउंड स्क्रैच आप देख ही सकते हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं अप्लाई हम। ये वन स्टेप हमारी रबिंग भी है, पॉलिश भी है। इसके बाद हमें कोई पॉलिश की कोट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये जो हमारी 3M की है, हमने वो अप्लाई किया। एक बार इसको अच्छे तरीके से थोड़ा फोर्स लगा के रब करेंगे कि जो भी हमारे स्टेन्स है वो हट जाए, पर मेरे को इसमें रिजल्ट दिख नहीं रहा। इसको अब एक बार ही कॉटन के क्लीन क्लोथ के साथ साफ कर देना। ये जो है हमारी क्रीम की तरह लग रही है, कुछ इसमें मेरे को सैंड के पार्टिकल्स वगैरह नहीं दिख रहे कि जैसे हमारी वैक्स पॉल की है इसके अंदर होते हैं। तो अभी चेक करते हैं कि कौन सी हमारी रबिंग निशान को हटा पाती है। अभी हम इसके प्राइस की भी बात करेंगे वीडियो के एंड तक, तो वीडियो से आप जुड़े रहिए। इसके अंदर आप स्क्रैचेस देख सकते हैं कि हल्के से लाइट हो गए हैं, एंड जो पेंट है हमारा वो भी उतरा नहीं है पूरा अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये इधर खाली शाइन आ गए जैसे पॉलिश की है मैंने कार, पर निशान हमारे गए नहीं है चाहे ये पेंट लगा हुआ है। अब इसी जगह पे हम यूज करते हैं एक बारी वैक्स पॉल का रबिंग कंपाउंड। ये है हमारा वैक्स पॉल का रबिंग कंपाउंड। दोनों के कलर आप देख सकते हैं, एक वाइट है एंड एक थोड़ा सैंड के कलर का है, एंड इसके अंदर थोड़ी सी है भी सैंड की तरह कोई चीज़ है जो कि अच्छे तरीके से रब करती है इसको, एंड इसके सारे निशान गायब कर देती है। ये जो हमारा रबिंग कंपाउंड है, इससे मेरे को साफ पता लग रहा है कि निशान जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा जोर लगा के करने का फायदा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े सैंड के पार्टिकल्स है जो कि रब होने पे हमारा जो भी निशान वगैरह है उसको हटा रहा है अच्छे तरीके से। जो हमारी 3M की वो थी रबिंग, उसके ऊपर बिल्कुल निशान जा नहीं रहे थे, जैसे है बिल्कुल एज इट इज था। अब इसको करते हैं एक बारी साफ एंड देखते हैं दोनों कंपैरिजन में कौन सी हमारी रबिंग बेस्ट है, देखते हैं। क्लीन करने में तो मेरे को साफ पता लग रहा है रिजल्ट की हमारी वैक्स पॉल की जो रबिंग कंपाउंड है वो ज्यादा बढ़िया। आप देख सकते हैं इधर जो निशान थे कैसे हट गए हैं। ये चीज हमारी 3M की जो रबिंग है वो नहीं कर पाई थी, जो ये वैक्स पॉल की रबिंग ने कर दिया। दोनों के प्राइस में भी जमीन आसमान का फर्क है, और रिजल्ट भी आप देख ही सकते हैं। ये 3M की हमारी जो है फर्स्ट स्टेप फिनिश कंपाउंड, ये महंगा भी आता है हमारा, और रिजल्ट भी इसने अच्छा नहीं दिया। एंड ये जो हमारा वैक्स पॉल का है, इसका हमारा रबिंग कंपाउंड है, इसका प्राइस है 70 रुपीज़, एंड हमारा जो 3M का रबिंग कंपाउंड है इसका प्राइस है हमारा 200 रुपीज़। आपको दोनों के अमेजोन के भी लिंक दे दूंगा अगर परचेज करना चाहो। रिजल्ट आपने खुद देख लिया कि 3M ने क्या काम किया और हमारा वैक्स पॉल की रबिंग ने क्या काम किया। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, एंड कमेंट्स में आके अपने थॉट्स बताना कि आपको कौन सी ये रबिंग बढ़िया लगी है, एंड वीडियो को करना शेयर एंड चैनल को करना सब्सक्राइब।